सत्कार तमाम आए हुए साथियों का। साथियों आज के मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर। तो साथियों आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि आप सबको पता है, हम पिछले 6 साल से हमारे जो गरीब ट्रैक्टर वाले जूझ रहे थे, बेरोज़गार थे, जो हमारे नौजवान थे वो गलत दिशा में जा रहे थे। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो तवी नदी नालों पे बैन लगा था उसको आज हटाकर इन गरीब लोगों को राहत पहुंचाई। जो ट्रैक्टर के साथ काम करते थे या जो गरीब लोग मकान बनाते थे उनको भी राहत पहुंची। तो हम माइनिंग डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भी सहयोग रहा। हमने काफ़ी उनको कोसा लेकिन उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया, तो उसके आज जो नतीजा है कि जो बैन है, जो स्टे है, वो हट चुका है। तो हम तमाम ट्रैक्टर भाइयों से अपील करते हैं कि अभी नदी नालों में ना जाएं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। तो इसके कारण जो आपने देखा कि पिछले कई दिनों से बरसात के कारण काफ़ी ट्रैक्टर वाले बह भी गए थे नदी नालों में, तो अभी जो जब तक बरसात ना ख़त्म हो तब तक ना जाएं। इस शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं अपने ट्रैक्टर भाइयों का। जो हमारी तिरंगा रैली हुई तो इसमें सभी का सहयोग हुआ, सभी जो भी जितने भी हमारे ट्रैक्टर भाई थे उसमें आए, रैली में शामिल हुए इतनी गर्मी की शिद्दत में, हम उनका भी शुक्रिया और अदा करना चाहते हैं। जितने भी जो डीलर एसोसिएशन है, चाहे स्पेयर पार्ट वाले हैं, चाहे मिस्त्री थे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो अगले मैं अयूब जी हैं जो हमारे स्पोक पर्सन हैं ट्रैक्टर यूनियन के, उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो भी अपने विचार रखें। मैं ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर, आज की जो हमारी प्रेस बात है, जैसे कि साथियों आप सबको पता है कि हम पिछले 6 साल से बैठे हुए थे घरों में, आए हुए हम हमारे जो साथी हैं इनका भी हम शुक्रिया करते हैं। तो माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बैन हटाकर गरीब लोगों को, गरीब ट्रैक्टर वालों को और आम जनता को राहत पहुंचाई है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ शुक्रिया करते हैं उनके सहयोग से बैन है जो हटा है, तो जो काफ़ी हमारे नौजवान बेरोजगार हो चुके थे वो काफ़ी राहत पहुँची है। तो हाई कोर्ट ने जो बैन हटा दिया, जो हमने भी जद्दोजहद की 6 साल से, लंबे अरसे से कर रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने सुन ली, हाई कोर्ट ने सुन ली, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक बात हो रहा है कि आगे की बात में यह है कि जो भी कार्रवाई हो अकॉर्डिंग टू द रूल तवी पे होनी चाहिए। जो हमारे ट्रैक्टर यूनियन हैं कहीं के भी हैं, 20 लाख आदमी जो इस पर मुश्तमिल है, ये मैं बार बार कहता हूँ, 20 लाख की सर्वे की जाए, नौजवान रोज़गार करेंगे, कहीं भी गलत नशोनवाशी में या गलत सिस्टम में नहीं हो जाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट J&K का, भारत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अगला एक्शन है वो जल्दी से जल्दी किया जाए, और तभी में जो रेता, बजरी, पत्थर, जो भी मलबा है उसको उठाने की हमें फुल इजाज़त हो, और अकॉर्डिंग टू द रूल उसकी पर्ची होनी चाहिए। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर दूसरी को हमें परेशान करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हम बहुत तय दिली से, जितना भी मेरा 20 लाख ट्रैक्टर वाला जो जम्मू डिवीज़न से, लखनपुर से लेके उधमपुर आधे तक, कश्मीर तक जो भी है, वो सभी तय दिल से ही शुक्रिया अदा करते हैं मैनुअल वाल को। आम लोगों को जो वो जो मटेरियल सप्लायर हैं या सप्लाई करते हैं, जैसे ट्रैक्टर ट्राली वाले जो खरीदते हैं, उनको जो ट्राली थी वो 4000 में मिलेगी, अब ट्राली मारी यूनियन की 150 एकड़ की 1000 में मिलेगी। वो भी अच्छी तरह से सुन ले, और उनको भी मेरा धन्यवाद है। जिसका मकान 7 लाख में कंप्लीट हुआ करता था वो 10.5 में था, आज वो 85,000 में उसका मटेरियल काम कंप्लीट एक ट्रैक्टर वाला कर देगा। बिल्कुल, जूनियर उस पर पूरा निगरानी रखेगी और उस पर जो है कानून अपना अदाई करेगी कि किसी को इजाज़त नहीं होगी ज़्यादा रेट लेने की।